कल से किसी का यहाँ दुकान नहीं लगेगा, सब जाएगा मैदान में, ठीक है? कोई एक दुकान नहीं लगेगा, तुम लोग यहाँ पे कल अभी देखेंगे तुम लोग। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग का लॉकडाउन की अवधि एक सप्ताह के लिए और बढ़ा दी गई है। ये अपने पुराने बाजार में सब्जी की दुकानों में ज़्यादा भीड़ थी। हम लोगों ने निर्णय लिया कि बगल में एक मैदान है, तेतु तल्ला मैदान, तो उसी में यहाँ के जितने सब्जी बेचने वाले हैं उन लोगों को वहाँ पर शिफ्ट करने का एक हम लोगों ने अभियान चलाया। आज सभी दुकानदारों को बोल दिया गया कि किसी भी सूरत में कल से यहाँ पर दुकानें नहीं लगेंगी, आप मैदान में जाएँ, क्योंकि वो बड़ी सी मैदान है तो वहाँ पे लोगों की भीड़ कम रहेगी, सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार लोग अपने सामानों को खरीद पाएंगे। ठीक उसी तरह मेरे सामने देख रहे होंगे कि हमारा 4 लेन का रोड है स्टेशन का, तो कुछ दुकानें इधर भी लग जाएंगी ताकि अभी के समय में है कि भीड़ ना रहे, दूर दूर से लोग अपनी सब्जी या मार्केटिंग करें। तो उसी के मद्देनजर आज मैं DSP थाना प्रभारी और सारी टीम यहाँ पे आके हमने लोगों को निर्देश दिया है कि कल से, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ की जनता सुनती है चीजों को, तो कल से वो तेतु तल्ला मैदान में सब्जी की दुकानें लग जाएंगी। सर, सरकार या फिर जिला प्रशासन के द्वारा जो टाइम निर्गत किया गया है, अगर इस टाइम को छोड़ के कोई दुकानदारी करते हैं तो उसको क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? अगर सूचना मिलती है और सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया है उसके बाद भी यदि दुकानें खुली रहती है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। दुकानें न केवल सील की जाएगी बल्कि आपदा प्रबंधन के अधिनियम के सुसंगत धाराओं के तहत उन लोगों पर कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि अभी के समय में सरकार जो भी बातें बोल रही है, प्रशासन जो भी बातें बोल रहा है वो अपने लिए नहीं बोल रहा है, लोगों की सुरक्षा के लिए बोल रहा है। लोग यदि जीवित रहेंगे तो हम लोग सारे काम को आगे कर पाएंगे, तो जो भी सरकार बातें बोल रही है, प्रशासन बोल रही है, सबको फॉलो करना बहुत ही आवश्यक है। सर, एक बात सामने और भी आ रही है कि जो सड़क किनारे मास्क बेचा जा रहा था, मास्क नहीं बेचने का कुछ आदेश दिया गया? नहीं, मास्क बेच रहे हैं लोग, तो वैसे उस तरह का लोग नहीं, मास्क छोटा मोटा लोग मास्क बेचने का है, तो उसको लेके ऐसा नहीं कि वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ रह रही है। थाने के द्वारा कल सर कुछ मास्क बेचने वाले को उठा के लेके? नहीं, अगर वैसे मास्क दुकानदार जहाँ पे बहुत ज्यादा की भीड़ में रह रहे तो उसको अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि मास्क दुकाने हैं कि अगर 2-4 लोगों को बेच रहे हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं। सर, दूसरी बात की किराना बाजार की सब्जी मंडी और धमाक नहीं, और सब जगह की सब्जी मंडी आपने देखा होगा कि केदुआडीह सब्जी मंडी को हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया है, कुटकी के सब्जी मंडी को हम लोगों ने मैदान में शिफ्ट कर लिया है, कतरास के हमने इंसिडेंट कमांडर वहाँ के वीडियो सीओ को बोल दिया था कि उसे भी एक रेलवे के ग्राउंड में शिफ्ट कर देने के लिए, अधिकांश दुकानदार वहाँ चले गए थे। एक अभी एक दो दुकान और है बाजार जहाँ पे लगती जिसका हमें कल शिफ्ट करवाना है, तो यहाँ पे हर जगह पे दुकानें अभी के लॉकडाउन में हम लोगों ने मैदानों में शिफ्ट किया है ताकि वहाँ पे लोग दूर दूर रह के सब्जियों को खरीद सकें और लोग अनावश्यक भीड़ ना। कल से किसी का यहाँ दुकान नहीं लगेगा, सब जाएगा मैदान में, ठीक है? कोई एक दुकान नहीं लगेगा, तुम लोग यहाँ पे कल अभी देखेंगे तुम लोग।